हाय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। आज हम आपको टाइम एंड वर्क पार्ट 18 पढ़ाएंगे। तो आइए यहाँ से हम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न 31 है, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्य है, ए कितने दिन में कर लेता है, 16 दिन में कर लेता है, और बी वही कार्य कितने दिन में कर लेता है, 32 दिन में कर लेता है, और सी वही कार्य कितने दिन में कर लेता है, 48 दिन में कर लेता है। तो देखिए, तीनों का एलसीएम लीजिए यहाँ से। ये देखिए, तीनों का एलसीएम ले रहे होंगे, 16, 32 और 48 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 96। ये क्या है, टोटल वर्क है। कैसे आया एलसीएम लेने पर? यहाँ पर देखिए, ये 16 दिन में 96 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। यहाँ से 96 में 16 से भाग देंगे, 6 आ गया। ये क्या है, एक ही क्षमता है। बी 32 दिन में 96 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ से देखिए, 32 से 96 में भाग दीजिए, 3 आ गया। सी 48 दिन में 96 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ 96 में 48 से भाग देंगे, 2 आ गया। तो देखिए, ये क्या हो गई, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 2 है और बी की 3 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें मिल गई इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। तो देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि आगे कि ए प्लस बी, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ से बी काम छोड़ देता है। देखिए, बी काम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, ए और सी मिलकर। फिर देखिए, फिर प्रश्न में आगे कह रहा है कि सी काम को छोड़ देता है, सी काम को छोड़ देता है तो काम कौन करेगा, ए करेगा। तो देखिए, यहां से पूरा काम इतना हो गया, यहां से यहां तक। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, देखिए यहाँ कार्य यहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कार्य यहाँ से यहाँ तक का कार्य कर रहा है कि 8 दिन पहले कौन छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, तो कार्य ए प्लस सी और ए करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आगे प्रश्न में कह रहा है कि सी 6 दिन पहले, देखिए सी 6 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, अगर सी कार्य को छोड़ देता है तो कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। ये कितने दिन में करेगा, ये देखिए, ये 6 दिन में कार्य को करेगा। प्रश्न में दिया गया है ये 6 दिन में काम करेगा। तो देखिए, यहां से और यहां तक का कार्य 8 दिन में हो रहा है और ए 6 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ये देखिए 8 में से 6 घटा लीजिए, कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। ये देखिए, यहां से टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 96 है। तो देखिए, यहां पर कह रहा है कि ए 6 दिन काम करता है, ये देखिए ए 6 दिन काम करता है और एक ही एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 है। तो यहां से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 36। यहां पर पूरे काम से ए का काम घटा लीजिए, तो कितना काम बचा, यहां पर पूरा बचा 60 काम। यहां से घटाएंगे, देखिए घटाए हैं तो 60 आ गया। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कि ए और सी 2 दिन काम करते हैं, तो ए और सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता देखिए, यहाँ से यहाँ पर ए की 6 है, सी की 2 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया। 8 से गुणा इसमें कर लीजिए, 8 दूनी 16, यहाँ पर घटा लीजिए,
यहां से माइनस 16, यहां पर घटा रहे होंगे, कितना आएगा 44। अब देखिए 44 काम कौन करेगा, यहां से ए बी सी मिलकर करेंगे, तो कितने दिन में, तीनों की क्षमताओं को जोड़ लीजिए, यहां से देखिए 6 और 3 9 और 2 11, 11 से यहां पर भाग दे दीजिए, यहां पर भाग देंगे कितना दिन आ गया 4 दिन। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे काम को, 4 दिन में। अब प्रश्न में कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, ये देखिए टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर, ये देखिए 4 दिन, ए प्लस 4 दिन प्लस 8 दिन इज इक्वल टू 12 दिन, 12 दिन में काम पूरा होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 12 दिन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 32 है, एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया, यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, यहाँ से इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ से 24 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, यह क्या है, टोटल वर्क, पूरा किया गया कार्य, कैसे आया, एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए एक्स 24 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 में 24 का भाग देंगे तो एक दिन में एक काम करेगा, यहाँ पर एक्स की क्या है, इफिशियंसी है, क्षमता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्षमता मिल गई, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि पूरा काम 24 है, ये देखिए पूरा काम 24 है, कह रहा है कि एक्स जब 4 दिन तक काम कर लिया, ये देखिए एक्स का 4 दिन का काम, देखिए एक्स एक दिन में एक काम करता है और 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, तो यहां से देखिए एक्स का काम घटा लीजिए, यहां से घटाएंगे कितना आ गया, 20 आ गया। अब आगे कह रहा है कि 4 दिन बाद वाई भी उसके साथ शामिल हो गया, देखिए एक्स के साथ वाई भी शामिल हो गया लेकिन 4 दिन बाद, तो काम पूरा 16 दिन में हो रहा है तो 16 में से 4 घटा देंगे कितना होगा, 12 होगा, यहाँ पर 12 से भाग दे दीजिए, यहाँ से भाग देंगे, यहाँ देखिए 5 चौक 20 और 3 चौक 12, यहाँ पर ये क्या आ गई, एक्स प्लस वाई की क्षमता आ गई, एक दिन की कार्य करने की क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि वाई उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, तो देखिए अकेले कितने दिनों में, एक्स प्लस वाई की क्षमता कितनी है, यहाँ से देखिए 5/3 और यहाँ से देखिए एक्स की क्षमता कितनी है, 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5/3, तो वाई इज इक्वल टू 5/3 - 1, वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 - 3/3 इज इक्वल टू 2/3। ये देखिए वाई की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 2/3 आ गई, तो कह रहा है कि वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये देखिए टोटल काम 24 है, 24 में वाई के एक दिन की कार्य करने की क्षमता से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 2/3, यहाँ से देखिए भाग देंगे कितना आ गया, 12 आ गया, ये ऊपर जाएगा कितना आ गया, 12 × 3 इज इक्वल टू 12 × 36 दिन, वाई उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में कर लेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 33 है, ए बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं, इनका एलसीएम लीजिए,
यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 40 आ गया। ये क्या है टोटल वर्क पूरा किया गया कार्य कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए ए बी सी मिलकर 40 दिन में 40 काम करते हैं तो एक दिन में एक काम करेंगे 40 में 40 से भाग देंगे एक आ गया। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि पूरा किया गया काम कितना है 40 है और ए बी सी देखिए ए बी सी 16 दिन तक काम करते हैं उसके बाद काम कौन छोड़ता है एक काम छोड़कर चला जाता है तो मीन्स ए बी सी की कार्य कितने दिन किया है। यहाँ पर देखिए 16 दिन तक यहाँ पर ए बी सी की कार्य करने की क्षमता एक है तो यहाँ से देखिए यहाँ ए बी सी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ए बी सी के द्वारा किया गया कार्य 16 होगा यहाँ से घटा लीजिए इसमें से घटाएंगे कितना आ गया 24 आ गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रश्न में तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए जब ए ने कार्य को छोड़ दिया तो कार्य बचा है इतना और अब कौन करेगा बी और सी करेंगे तो बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे कह रहा है कि 40 दिन में यहाँ से भाग दे दीजिए जब यहाँ से भाग देंगे तो देखिए 8 3 24 8 5 40 कितना आ गया 5/3। ये क्या है बी और सी की क्षमता है बी प्लस सी की क्षमता है यहां से बी और सी की क्षमता मिल गई। एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है बी और सी की 3/5 है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं एक कार्य करते हैं और यहाँ पर देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3/5 काम करते हैं तो यहाँ रख दीजिए 3/5 प्लस 1 = 1 तो a = 1 - 3/5 तो यहाँ से देखिए 5 - 3/5 = 2/5 यहाँ से ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी मिल गई 2/5। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा तो देखिए टोटल कार्य कितना है टोटल कार्य 40 है और ए के द्वारा किया गया कार्य कितना है एक दिन में यहाँ से 2/5 यहाँ से सॉल्व करिए यहाँ से देखिए भाग देंगे कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिए यहाँ 20 आ गया और इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 20 × 5 करेंगे 20 × 5 = 100 दिन ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा 100 दिन में कर लेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 34 है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है कार्यरत व्यक्ति की संख्या कितनी है। तो देखिए माना यहाँ पर कार्यरत व्यक्ति की संख्या कितनी है x है तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे m1d1 = m2d2। तो देखिए यहाँ पर माना कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है x है अब x व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं 60 दिन में करते हैं तो यह इधर का टोटल कार्य मिल गया। अब आगे कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और आ जाए ये देखिए पहले x व्यक्ति है और 6 व्यक्ति और आ जा रहे हैं तो कितने हो जाएंगे x प्लस 6 कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं कह रहा है कि 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। देखिए पहले तो कार्य कितने दिन में हो रहा है 60 दिन में अब कह रहा है कि 20 दिन पहले पूरा हो जा रहा है तो मीन्स घटा दीजिए कितना दिन में हो रहा है कार्य 40 दिन में हो रहा है तो यहाँ कितने दिन में कार्य हो रहा है 40 दिन में। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर हो गया 6x = 4x प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 6 × 24 यहाँ इस साइड लाएंगे 6 - 4x = 24 तो 2x = 24 x = 24/2 = 12 व्यक्ति कितने व्यक्ति चाहिए और
कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 12 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 35 है। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर पूरा किया गया कार्य कितना है? करा कि 12 व्यक्ति हैं, कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 90 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 12 × 108 और यहाँ से 0 लगा लीजिए, कितना हो गया? 1080। तो देखिए आगे कह रहा है कि कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों तक, देखिए 30 दिनों तक कितने व्यक्ति काम करते हैं? 12 आदमी ही काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, यहाँ पर कितना आ गया? 360। ये देखिए यहाँ से 360 घटा दीजिए, यहाँ से घटा रहे होंगे, कितना आएगा? 720। ये देखिए बचा हुआ कार्य कितना हो गया? 720। अब कह रहा है कि पहले 12 आदमी थे और 2 आदमी निकल जाते हैं। ये देखिए 12 आदमी थे, 2 आदमी निकल गए, सॉरी यहाँ से 2 आदमी घटा दीजिए, कितने हो गए? 10 हो गए। फिर कह रहा है कि 8 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, कितने हो गए? 18 आदमी। तो यहाँ से भाग दे दीजिए, इसमें भाग देंगे 18 × 72, यहाँ से 1 0 लगा लेंगे, कितना होगा? 40 दिन। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 40 दिन में। यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 36 है। 1 दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए, M1D1T1 = M2D2 और T2। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 8 दिन तक। और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 7 घंटे। और इधर कर रहा है इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, माना M2 व्यक्ति की, कितने दिन कार्य कर रहे हैं? कह रहा है कि 4 दिन कार्य कर रहे हैं। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 8 घंटे। तो देखिए यहाँ से कैंसिल करिए, 8 को 8 से, 4 को 4 से, M2 = 7। M2 = 7। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 37 है। राम और हरी 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरी काम छोड़कर चला जाता है। राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल 58 किलोग्राम गिरी काटी गई तो हरी को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम और हरी 2 दिन में, ये देखिए 2 दिन में कितना गिरी काटते हैं? 12 kg। तो 1 दिन में कितना काटेंगे? 1 दिन में काटेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इससे कितना हो जाएगा? 6 kg। तो यहाँ पर देखिए राम और हरी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी मिल गई? 6। इसको लिख सकते हैं राम और हरी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 6 kg है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पूरा गरीब टोटल वर्क कितना है। ये देखिए टोटल वर्क हो गया, कह रहा है कि कुल 58 किलोग्राम गिरी है। ये देखिए पूरा कार्य कितना करना है? 58 किलोग्राम। अब कह रहा है कि 5 दिन तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ये देखिए राम और हरी 5 दिन तक इस काम को मिलकर करते हैं,
तो 5 दिन में कितनी गिरी काटेंगे, ये देखिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 30, तो यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 28 केजी। यहाँ पर देखिए बचा हुआ काम कितना हो गया, 28 हो गया। अब आगे कह रहा है कि राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन लगे। ये देखिए जब यहाँ पर हरि ने काम करना छोड़ दिया, 5 दिन काम करने के बाद हरि काम छोड़ देता है तो काम कौन करता है, राम करता है। राम को गिरी काटने में कितने दिन लगे हैं, 8 दिन। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से देखिए 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 कितना आ गया, 7/2। ये क्या है, यहाँ पर राम की क्षमता है, राम की क्षमता है, 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 7/2। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला है, यहाँ देखिए R+H = 6 और यहाँ से देखिए R की क्षमता कितनी है, 7/2 + हरि की क्षमता = 6। यहाँ से हरि की क्षमता निकालेंगे, 6 - 7/2, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 12 - 7/2 = 5/2। यहाँ से हरि की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो पूछ रहा है कि हरि को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 10 किलोग्राम केवल काटना है उसे, तो देखिए टोटल यहाँ पर 10 है और 10 में हरि की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता से भाग दे दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं 10 और 5/2, यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो गया, ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से भाग तो यहाँ आ जाएगा 4 दिन। 4 दिन काम हरि 10 किलोग्राम गिरी कितने दिन में काट पाएगा, यहाँ पर 4 दिन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 38 है, रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं और उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं, शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है, बताइए सुरेश अकेला उसे पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रमेश, ये देखिए रमेश है, रमेश किसी काम को कितने दिन में करता है, यहाँ पर कह रहा है कि 20 दिन में, और रहमान कितने दिन में करता है, रहमान किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 25 दिन में कर लेता है। ये देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 100। ये क्या है, टोटल वर्क है, पूरा किया हुआ कार्य कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए रमेश 20 दिन में 100 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पर 100 में 20 से भाग देंगे कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। रहमान 25 दिन में 100 काम करता है तो 1 दिन में 4 काम करेगा, यहाँ 100 में 25 से भाग देंगे 4 आ गया। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पूरा काम कितना है, 100 है, ये देखिए पूरा काम 100 है। अब कह रहा है कि दोनों 10 दिन मिलकर काम करते हैं, ये देखिए रमेश और रहमान मिलकर 10 दिन काम करते हैं तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 और 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 10 दिन तक काम करते हैं तो यहाँ से घटा लीजिए, बचा हुआ कार्य कितना मिल जाएगा, 10। ये बचा हुआ कार्य कह रहा है कि बचा हुआ कार्य कौन करता है, शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है, ये देखिए पूरा इसे कितने दिन में करता है, 3 दिन में 3 से भाग दे दीजिए, ये क्या हो गई, सुरेश की क्षमता हो गई। देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए सुरेश करता है तो यहाँ पर हम सुरेश लिख देते हैं, सुरेश की क्षमता हो गई 10/3। तो आगे कह रहा है कि सुरेश पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ये देखिए पूरा काम कितना है और सुरेश की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 10/3 है, तो यहाँ से भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे
तो कितना हो जाएगा 100 × 3/10। यहां से कैंसिल, यहां कितना आ गया 30 दिन। सुरेश उस काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 39 है। ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, कह रहा है कि 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, कह रहा है कि 12 दिन में। यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60। ये क्या है, टोटल वर्क कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर ए 10 दिन में 60 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 60 × 10 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता आ गई। यहाँ पर देखिए बी 12 दिन में 60 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, 60 में 12 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा टोटल कार्य कितना है, 60 है, ये देखिए 60 है। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, इनकी देखिए ए और बी की 3 दिन तक की कार्य करने की क्षमता, ये देखिए 6, 5, 11 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 3 = 33, यहाँ से घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ गया 27 आ गया। अब देखिए 27 आ गया। अब आगे कह रहा है कि ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी आ जाता है, ये देखिए कह रहा है कि ए अकेला काम करता रहता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में देखिए उसके बाद बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम करता रहता है उसके 2 दिन बाद, ये देखिए ए का 2 दिन का कार्य कर रहा है, उसके 2 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य 6 है, उसके 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 कर दीजिए, यहाँ से घटाएंगे कितना आ गया 15। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 2 दिन बाद काम, सॉरी उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, ये देखिए मानते हैं सी की कार्य करने की क्षमता एक्स है, ये देखिए सी की कार्य करने की क्षमता एक्स है, और कह रहा है कि यहाँ पर ए उसके साथ रहता है, तो दो यहाँ पर 15 में एक्स प्लस 6 से भाग देंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जा रहा है, 2 दिन में। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इतने को सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 = 2x + 12, तो यहाँ से घटाएंगे 2x = 3x = 3/2। देखिए x क्या है, c की कार्य करने की क्षमता है, ये किसकी है, c की क्षमता है, ये c की क्षमता मिल गई। तो प्रश्न में आगे कह रहा है कि c अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम कितना है 60 है और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 3/2, तो यहाँ भाग दे दीजिए, भाग दे रहे होंगे, यहाँ से आ गया 20। अब 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 20 × 2 = 40 दिन। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 40 है। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है, तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो देखिए यहाँ से इस फार्मूले का प्रयोग करिए, m1d1 = m2d2। यहां से देखिए कह रहा है कि किसी काम को कुछ आदमी, माना कितने आदमी हैं, x आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 30 दिन में, और कह रहा है कि काम पर लगा दिए जाए वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। देखिए
कह रहा है कि यदि पांच आदमी और काम पर लगा दिए जाएं, ये देखिए पहले एक्स आदमी थे, पांच आदमी और आ जाते हैं तो एक्स प्लस फाइव। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ से जीरो कैंसिल करिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 10, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से घटाएंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितने और आदमी चाहिए? 10 आदमी। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।